सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं ऑटो मनी लोन ऐप की रियलिटी को। इसकी रेटिंग जो है फिलहाल 4.1 स्टार की है और 1,00,000 लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप भी इस लोन ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर लोन का अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है तो रीपेमेंट कैसे करना है, और अगर नहीं रिसीव हुआ है, किसी तरीके का स्कैम हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊँगा। ऑटो मनी लोन ऐप अगर आप देखोगे यहाँ पर प्ले स्टोर पर, तो अभी फिलहाल जो है 4.1 स्टार की रेटिंग है इसकी, 1,00,000 लोग डाउनलोड किए हुए हैं। और नीचे स्क्रॉल करने पर ये लोग बता रहे हैं कि ये आपकी डेटा को जो है ना किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के साथ शेयर कर सकते हैं। और अबाउट सेक्शन में जाने पर हमें पता चलता है कि ये लोग आपको 3,00,000 तक का लोन दे सकते हैं, वो भी समय होने वाला है कम से कम 3 महीना, और मैक्सिमम जो होने वाला है वो है 2 साल तक का, यानी कि 95 डेज से 720 डेज तक का यहाँ पर मैंसन किया गया है। नीचे स्क्रॉल करने पर इन लोगों ने जो है एक URL दिया हुआ है, उस URL को बताया गया है कि आपका जो भी डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसको उस सर्वर पर स्टोर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ पर इनका एक मेल ID है और एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं है, हेल्पलाइन नंबर भी नहीं है। अब इस ऑटो मनी लोन ऐप की 5-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर जो है मैक्सिमम रिव्यूज़ वो इस तरीके का है कि गुड लोन ऐप, वेरी गुड लोन ऐप, नाइस लोन ऐप, सुपर लोन ऐप, इस तरीके से। अगर मैं भी लोन के लिए ट्राई करूँगा, अगर लोन मुझे मिलेगा, कितना लोन अमाउंट मिला, कितने समय के लिए मिला, और रिपेमेंट मैंने किस तरीके से किया, सभी चीज़ें जो है मैं मेंशन करूँगा उस रिव्यूज़ में, है ना। अगर आपको भी लोन मिलता है तो आप यही चीज़ें जो है मेंशन करोगे। ये तो नहीं लिखोगे ना कि गुड लोन ऐप, वेरी गुड लोन ऐप, नाइस लोन ऐप, सुपर लोन ऐप, इस तरीके से। मतलब एक आध रिव्यूज़ तो चलो मैं मान लेता, लेकिन बहुत रिव्यूज़ हैं इस तरीके के। तो यहाँ पर जो है इन रिव्यूज़ को देख करके किसी को भी आइडिया नहीं लगेगा कि किसको कितना लोन मिला, कितने समय के लिए मिला, रीपेमेंट करा नहीं करा, क्या हुआ, मतलब कुछ भी डिटेल नहीं है। 1-स्टार रेटिंग के रिव्यूज़ में जाते ही आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने मेंशन किया है, इन लोगों ने ही बताया हुआ है कि ये भाई फेक लोन ऐप है। आप देख सकते हो बहुत लोग बता रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न जो है लोगों ने ये भी दिया है कि भाई उन्हें 2,275 रुपये के समथिंग अकाउंट में आया है, उन्हें देना पड़ा है 3,500 रुपये, 2,200 कुछ रुपए आए हैं, 3,500 रुपए देने हैं, वो भी 7 दिन के अंदर। 5वें दिन से जो है मैसेज कॉल आना चालू हो जाता है, अगर नहीं रीपे करते उस समय पर तो ये लोग जो है आपके कॉन्टैक्ट वालों के पास आपकी एडिटेड फोटोज़ वगैरह भी शेयर करते हैं, ऐसा बहुत लोगों ने रिव्यू में भी लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है 4,500 रुपये जिसको मिला है लोन अमाउंट का, उसको जो है 7,000 रुपये देने पड़े हैं, वो भी 7 दिन के अंदर। तो यहाँ पर जो है भाई साफ साफ एक बात तो क्लियर हो गया, एक तो बहुत लोगों को लोन मिल नहीं रहा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने लोन के लिए ट्राई किया, यहाँ पर शो हो रहा है कि डिस्पर्स हो गया है, और एक अमाउंट भी शो हो रहा है, इतना अमाउंट डिस्पर्स हुआ है, इतना समय मिला है 5-7 दिन वही, लेकिन अकाउंट में पैसे ही नहीं आए, ऐसा भी रिव्यूज़ में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इन रिव्यूज़ को देखने के बाद जो है क्लियर हो जाता है कि एक तो 5-7 दिन के लिए लोन मिलेगा, उसके अलावा जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट देना होगा, यानी कि बहुत कम लोन अमाउंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट देना होगा, 5-7 दिन के लिए लोन मिलने वाला है यहाँ पर, क्लियरली बात यहाँ पर लोगों ने लिखा हुआ है। और एक तो भाई बहुत लोगों को मिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है आपको भी हो सकता है कि लोन मिले ही नहीं, और मिले तो इस तरीके से मिले। तो यहाँ पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहने वाला है वो यही है इस लोन ऐप के लिए कि मैं अगर आपकी जगह पर हूँगा तो इस लोन ऐप से लोन के लिए ट्राई नहीं करूँगा। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, आपको लोन का अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो आपको जो है रीपेमेंट जब करना है वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके करना है। अब अगर ये लोग जो है आपके लोन अमाउंट का रीपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है तो आप इनको जो है वीडियो को शेयर कर देना, अगर फिर भी ये लोग अपडेट नहीं करें तो आप जो है साइबर क्राइम में कंप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर आपको लोन का अमाउंट रिसीव ही नहीं हुआ है तो आप इन्हें समझाइए, ये लोग जो है आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे होंगे या फिर कॉल्स करेंगे आपके पास, तो आप इन्हें बताइए कि लोन का अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर फिर भी ये लोग जो है आपको रीपेमेंट करने के लिए कह रहे हैं जबकि आपको लोन का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको जो है साइबर क्राइम में कंप्लेन करना है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ चुके हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी को तो आप शेयर कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम ID और Gmail ID आपको मिल जाएगा, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहां पर हमेशा आपको अवेयरनेस वाली वीडियोस देखने को मिलेगा। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में, थैंक यू सो मच।